हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी अपना लोगो बनाना चाहते हैं जिस प्रकार से आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा? मेरा चैनल का नाम है टेक्निकल राजा। मैंने किस तरीके से यह लोगो बनाया मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें अपने प्ले स्टोर पर आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर सर्च बॉक्स में पिक्सल लैब सर्च करना है, पिक्सल लैब। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का एक एप्लीकेशन शो होगा, जैसा कि मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा है, इसलिए आप उसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का एक इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आपको नीचे कलर चूज़ करने होंगे। जो भी आप कलर चाहते हैं, बहुत से आपको कलर मिल जाएंगे। ठीक, मैं इसको यूज कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर नीचे, सबसे नीचे आपको तीसरे नंबर पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर शार्प पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फॉन्ट मिल जाएंगे। आपको जो भी फॉन्ट आप डालना चाहते हैं अपनी वीडियो में, मैं यहाँ पर गोल वाला डाल देता हूँ। और इसकी साइज भी आप बढ़ा सकते हैं जिस प्रकार से आप देख रहे हैं। ठीक, यहाँ उसके बाद यहाँ पर आप इसमें कलर भी कर सकते हैं, जो भी आपको कलर चाहिए। ठीक, जैसा कि मैंने ये कर दिया है। इसके बाद थोड़ा साइज बढ़ा लेते हैं। साइज बढ़ाने के बाद यहाँ पर टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे। आप जो भी लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। मेरे चैनल का नाम टेक्निकल राजा है, तो मैं TR यहाँ पर लिख देता हूँ। TR लिखने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, उसमें से आपको यहाँ साइज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसकी साइज को थोड़ा बढ़ा देना है। जितनी भी आप बढ़ाना चाहें उसको कम बढ़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इतना कर देता हूँ। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर आगे स्क्रॉल करके जाना है, तो यहाँ पर आपको फॉन्ट मिलेगा। फॉन्ट में आप जो भी इस टेक्स्ट का फॉन्ट चुनना चाहते हैं, मैंने यहाँ पर रिसेंट में जो भी देखे हैं वहाँ पर आपको दिख जाएंगे। ठीक, मैं यहाँ पर सेकेंड वाला चूज़ कर लेता हूँ। देख रहे होंगे आप कितना बेहतरीन लग रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पर आपको नीचे आके यहाँ पर स्ट्रोक पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर इनेबल कर देना है। उसके बाद जो भी आप कलर चूज़ करना चाहें उसको चूज़ कर सकते हैं। ठीक, मैं ब्लैक कर देता हूँ। इसकी साइज भी आप बढ़ा सकते हैं। देख रहे हैं आपको चेंज होते हुए दिख रहा होगा, मैं इसको इतना ही रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ओके क्लिक कर देता हूँ। ठीक, आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। उसके बाद मैं अपना चैनल का पूरा नाम यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ। ठीक, मैंने यहाँ पर अपने चैनल का पूरा नाम यहाँ पर नीचे इसके लिख दिया है। उसके बाद थोड़ा इसका कलर चेंज कर देता हूँ। पर कलर वाले ऑप्शन पाने के बाद पर इसको ब्लैक या वाइट या रेड कुछ भी आप कर सकते हैं। मैं आपको बताने के लिए सिर्फ कर रहा हूँ, जो भी आपको अच्छा लगे यहाँ पर उसको चूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने ये येलो कर दिया है। ठीक, येलो करने के बाद मैं यहाँ पर इसकी फॉन्ट को चेंज कर देता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने फॉन्ट को चेंज कर दिया है। और भी फॉन्ट है यहाँ पर, आप दूसरा ले सकते हैं, मैंने इसको ले लिया है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर इसकी साइज को बढ़ा सकते हैं। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि आप कितना अच्छा दिखाई दे रहा है ये लोगो। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव एज इमेज का ऑप्शन दिखाई देगा, जहाँ से आप अपनी इमेज को सेव कर सकते हैं। यहाँ पर जितनी हाई, लो, कस्टम, आप जो भी करना चाहते हैं, मैं यहाँ पर वेरी हाई पर क्लिक करके यहाँ पर सेव टू गैलरी कर देता हूँ। जैसा कि मेरा सेव हो चुका होगा, अब मैं आपको यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ कि यह कहाँ पर आई होगी। इमेज पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर मेरा ये लोगो आ चुका है। तो आशा करता हूँ कि आपको थोड़ी बहुत मदद मिली होगी यहाँ पर लोगो बनाने में।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।